बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है प्राइमरी एक्टिविटीज। कल के वीडियो में हमने आपको पैस्टोरलिज्म पशुचारण के बारे में बताया था। आज उसी को बढ़ाते हुए थोड़ा आधुनिक रूप में बात करते हैं डेयरी फार्मिंग की, दुग्ध व्यवसाय। डेयरी फार्मिंग नाम से क्लियर हो रहा है, नेचुरल है। यहाँ पर दुधारू पशुओं को पाला जाता है, जो मिल्च एनिमल्स होते हैं, जो दूध देते हैं, उन पशुओं को यहाँ पर पाला जाता है। एक तरह से एडवांस टाइप ऑफ फार्मिंग है, ये बहुत आधुनिक है। रेंचेस होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पर पशुओं को पाला जाता है ग्रासलैंड्स में। उनको दिन में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, काउ बॉयज उनकी हेल्प करते हैं और शाम को उनको दोबारा रेंचेस में ले आते हैं। आधुनिक मशीनें लगी होती हैं, लेबर भी अधिक चाहिए। जब मशीनें लगी हैं तो नेचुरल हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी होगा, अधिक पूंजी भी चाहिए। सभी अधिकतर काम मशीनों से होता है क्योंकि पशु काफी संख्या में होते हैं। मेन बात, कोई ऑफ सीजन नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस प्रोसेस है और पूरे साल भर चलता है, इसलिए इसका कोई ऑफ सीजन नहीं होता है। पशु हर समय रहते हैं वहां पर। मोस्टली ये डेयरी फार्मिंग नगरों के या उद्योगों के पास लगाया जाता है क्योंकि इससे निकलने वाला मिलने वाला पदार्थ दूध है, मक्खन है, पनीर है, मांस वगैरह है, इनकी सप्लाई वहीं होगी जहां पर लोग अधिक रहते हैं। तो नगरों के और उद्योग केंद्रों के पास ही इनका निर्माण होता है। ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा सुविधा चाहिए क्योंकि डेली दूध खराब हो सकता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन वगैरह भी होता है, उनकी भी सुविधाएं यहाँ होती हैं, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा चाहिए क्योंकि डे टू डे सर्विस है, लोगों की नीड्स पूरी करनी होती हैं। मेन रीजन जो है इसमें, जहाँ पर डेयरी फार्मिंग होती है प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत, नॉर्थ वेस्ट यूरोप, कनाडा, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये प्रमुख एरिया है जहाँ पर डेयरी फार्मिंग होती है। वैसे तो संसार के और भी देशों में होती है, आजकल तो हमारे देश में भी होने लगी है। काफ़ी डेयरी फार्मिंग लोग बाग बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं, उनमें पशुओं को रखते हैं। प्रचलन चल रहा है इस चीज़ का और बहुत अच्छा व्यवसाय है। तो आजकल इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।